सोनभद्र में पंचायती राज विभाग शौचालय को भगवा रंग में रंगवा रहा है। विभाग के दबाव में ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को सभी शौचालय भगवा रंग में रंगने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर कोई इस फरमान को नहीं मानेगा उसका राशन और अन्य सरकारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। ग्रामीणों ने मजबूरी में शौचालय को भगवे रंग में रंगवाना शुरू कर दिया है। वहीं जब इस बात की सूचना जिलाधिकारी को दी गई तो जिलाधिकारी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इस बात का प्रमाण भी मांग लिया। सोनभद्र के जिला मुख्यालय राबर्ट्सगंज ब्लॉक के उर्मोरा ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण आजकल अपने शौचालय को भगवा रंग में रंगने के लिए मजबूर हैं। कारण ये है कि प्रशासन के दबाव में ग्राम प्रधान ने सभी को अपने अपने शौचालय को भगवा रंग में रंगने का अल्टीमेटम दिया है। ग्राम प्रधान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इस फरमान का पालन नहीं हुआ तो सभी का राशन भी रोक दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि रंग भी ग्राम प्रधान द्वारा ही मुहैया करवाया जा रहा है। शौचालय को आप रंग रहे हैं, फिर से किस रंग में रंग रहे हैं? सर गेरुआ रंग। अच्छा, तो ये कहाँ से रंग मिल रहा है? ये प्राइमरी स्कूल से मिला है, प्रधान जी दिलवाए हैं। क्या कहें वो? कहें इसी रंग के ले जाओ सब लोग रंगो, जिसका हो गया है प्लास्टर कंप्लीट। आपका गांव तो ओडीएफ हो चुका है? हाँ, हमारा गांव ओडीएफ हो चुका है साल भर पहले ही। पहले नहीं रंगे थे इसको? रंगे थे ओडीएफ के पहले ही, हम लोग रंगे थे तो उसी समय जब बनवाए तभी रंग दिए बताए थे। अब क्यों दोबारा? फिर दोबारा वो कह रहे हैं रंगने के, तो फिर रंगा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि गेरुआ रंग में रंग। हाँ, कह रहे हैं कि इसी रंग से रंगना है सब लोगों को, गेरुआ रंग का ही। कोई कार्रवाई हो, मालिक नहीं किए तो कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई के लिए कहे वही कि जिसका नहीं हो गया उसका राशन फसल बंद कर देंगे। ग्राम प्रधान के दबाव में ग्रामीण गांव के लगभग 200 शौचालय को भगवा बनाने में लगे हुए हैं। जब इस बात की जानकारी डीएम को दी गई तो उन्होंने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ प्रमाण भी मांग लिया। सर ये हजार शौचालय सर भगवा रंग में रंगे जाते हैं। आप प्रमाण दिखाइए ना। प्रमाण मैं दे रहा हूँ सर। दीजिए दीजिए। ठीक।